हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माँ बेटी किचन राइस में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी गुड़ की खीर, जो पहले ज़माने में बनती थी, जो दादी नानी बनाती थी, और वैसे ही खीर बनाऊँगी मैं आज। और बनाएंगे कुंडों के लिए स्पेशल खीर बनाई है, तो आप इसे कुंडों पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और खीर बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, 2-4 खजूरें, किशमिश, 1 कटोरी चावल लिए हैं, थोड़ा सा गुड़ लिया है, 150 ग्राम गुड़ है, 2 हमने पेड़े लिए हैं, और यहाँ पे कुछ पापे हैं, रस्क कहते हैं जिन्हें, और 1.5 किलो दूध लिया है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हमने कार्डमम पाउडर लिया है। तो चलिए इस खीर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने गुड़ को अच्छे से कट कर लिया है, उसको हम पानी में भिगो देंगे। तब तक हम चावल कुक करते हैं, तब तक यहाँ पे हम गुड़ को पानी में भिगो कर रखेंगे। और यहाँ पे चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे कुक कर लेंगे। 1 कटोरी चावल लिए थे, तो उसमें 2 से 2.5 कटोरी हमने पानी डाला है, इतना कि अच्छे से ये उबल जाए। और गैस पर रख दिया है, और हम चावल को उबाल लेते हैं। और यहाँ पर चावल देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। और चावलों को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 2 हिस्से निकाल लेते हैं। और इतने से चावल बचे हैं, बाकी हमने निकाल लिए हैं, तो ये 1/3 चावल बचे हुए हैं, और इसको हम दूध में कुक करेंगे। और यहाँ पे हमने फुल फैट मिल्क लिया हुआ है, और अच्छे से हम कुक कर लेंगे, उसमें बॉईल करेंगे। बचे हुए चावलों को हम ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने पापे डाल दिए हैं, और चावलों में ही हम यहाँ पे पेड़ा भी डाल देंगे। और यहाँ पे हम गुड़ का पानी छान लेंगे, जो गुड़ हमने रखा था भीगने के लिए वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पे हमने पानी उसका छान लिया है, जो मेल्टेड गुड़ है यहाँ पे। और पेड़ा वेड़ा सब डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और बाकी के पेड़ा भी डाल देते हैं इसमें। और इस खीर में खोया डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसे हम बना रहे, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और चलिए इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। जो दूध में हम चावल उबाल रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, उन्हें हम ऐसे मैश कर करके कर लेंगे, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए दूध में। और यहाँ पर अच्छे से हमारी चावल भी बिल्कुल मिक्स हो गए हैं बिल्कुल। तो अब हम इसमें कार्डमम पाउडर डाल देंगे, तो यहाँ पर 1 पिंच या 1/4 टेबल स्पून हमने कार्डमम पाउडर डाला है। और इस पे जो हमने पेस्ट तैयार किया था गुड़ का और चावलों का, बाकी सब चीज़ों का, वो डाल देंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इन सबको मिक्स कर देंगे। और इसी तरह से हम इसको 10 मिनट तक कुक करेंगे, और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, और हमारी खीर रेडी हो जाएगी बनकर। देख सकते हैं कितना अच्छा सा टेक्सचर बनकर निकल कर आया है, और कितना प्यारा कलर आया है खिला खिला, और कितनी क्रीमी सी हमारी खीर बनकर रेडी हो रही है। और आप इस तरह की खीर कुंडों पर ज़रूर बना सकते हैं, इसीलिए मैंने कुंडों से पहले आपको ये रेसिपी शेयर करी है, ताकि आप कुंडों पर ये रेसिपी बना सकें। और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो हमने रखे थे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम गार्निश के लिए रख लेंगे। और अब हम कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ भी हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सर्व करते हैं। और निकालने से पहले, सर्व करने से पहले, हमने यहाँ पे थोड़ा सा 1/2 कप मिल्क ऐड किया था, ताकि थोड़ा और क्रीमी टेक्सचर आए और थोड़ा अच्छा कलर भी आ जाए। तो चलिए सर्व कर लेंगे अब। और यहाँ पर हमने खीर को सर्व किया है, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर से, और यहाँ पे हम डाल देंगे जितने भी ड्राई फ्रूट्स कट कर रखे थे। और ये हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। कूडो पे आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।